हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीपीटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए पीपीटी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, सूरज बादलों के पीछे छुप गया। तो इसमें जो बिहाइंड वर्ड है ये पूछ रहा है कि क्या है। तो बिहाइंड वर्ड एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, इसमें विजय इज अब्सेंट टूडे बिकॉज शी इज इल। विजय आज अब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। यहाँ पे सी, जहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो सी क्या चीज़ है? तो सी यहाँ पे प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पे यूज किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आई एम स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, मैं पूरी रात से काम कर रहा हूँ। मुझे नींद आ रही है, मैं पूरी रात से काम कर रहा हूँ। इसमें आई हैव बीन वर्किंग है, पूछ रहा कि कौन सा सेंटेंस है। आई हैव बीन का जो यूज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हैज बीन और हैव बीन का जो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, बिफोर आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली जाने के पहले आई हैड बीन लिविंग इन पटना फॉर 5 ईयर, मैं 5 सालों से पटना में रह रहा था। यहाँ पे हैड बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग कौन सा टेंस है? तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, यहाँ पे डैश है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक भरना है। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, द क्वीन इन लंदन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आई रिमेम्बर मीटिंग द क्वीन इन लंदन, मुझे याद है जो रानी से मीटिंग हुआ था वो मुझे आज भी याद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाई द मैसन। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको करेक्ट वे में लिखना हमें। द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाई द मैसन, इसका हिंदी क्या होगा? वॉल किसके द्वारा बना जाता है? मैसन को हिंदी में मिस्त्री कहते हैं या फिर राजगीर कहते हैं। तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा, जो दीवार है वो मेसन के द्वारा बनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, द मेसन इज बिल्डिंग द वॉल, मेसन वॉल को बना रहे हैं, राजगीर वॉल को बना रहे हैं। तो मिस्त्री या फिर राजगीर का काम क्या होता है? वो खुद ही दीवार बनाते हैं। और यहाँ पे क्या हो इसका मीनिंग है कि उनके द्वारा, जबकि उनके द्वारा नहीं बनाया जा रहा, किसी और के द्वारा बनवाया जा रहा है, ये लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, ही सेड टू मी दैट दे वुड हर्ट मी। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव में कन्वर्ट करना है। उसने बोला कि वो मुझे हर्ट करेंगे। उसका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ही सेड दे विल हर्ट यू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट देखिए, यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन को फिल करना है। वन हु स्टडीज अबाउट द इंसेक्ट्स इज, जो कीड़ों मकोड़ों के बारे में पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जियोलॉजिस्ट कहते हैं, जूलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, आयरन इज, यहाँ पे मोर यूजफुल देन अदर मेटल, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट को हिंदी में अखरोट बोलते हैं, अखरोट को तोड़ना ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ यूवी रेडिएशन, पराबैंगनी किरणों का जो सोर्स है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज लैम्प। हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज लैम्प से यूवी रेज या फिर यूवी रेडिएशन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, वह कौन सा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? तो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इन टू फ्रेश वाटर बाई ऑस्मोसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जो समुद्री जल है उसको फ्रेश जल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू समुद्री जल को फ्रेश जल में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज नोन एज। रबर को जब सल्फर में गर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, एंड कल के लेक्चर में हम लोग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 एंड आगे जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।